मैं मलिक वसीम हुसैन अवान, एडवोकेट हाई कोर्ट सिंध कराची। अपनी गुज़स्ता वीडियो के अंदर मैंने अपने यंग वकला साथियों व जनरल पब्लिक को FIR के मुतल्लिक कुछ आगाही दी थी, तो उस पर कुछ सवालात आए कमेंट्स के अंदर, जिसमें कुछ वकला साथियों ने FIR के हवाले से सवालात किए थे। तो मैंने कहा चलें आपको मज़ीद इसमें मालूमात देता चलूं। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कानूनी लोगत के अंदर कहते हैं कि FIR इज़ द बेसिक असेंशियल ऑफ टू ब्रिंग द लॉ इन मोशन, यानी कि कानून को हरकत में लाने के लिए जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है पुलिस, उसको हरकत में लाने के लिए सबसे जो इब्तदाई चीज़ है वो है FIR। जब आप FIR लॉन्च करवाते हैं तो जो रियासत का सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके अंदर जो पुलिस है वो हरकत में आती है। FIR पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर कुछ लॉ डिफाइंस हैं, जब भी उन लॉज की वायलेशन होती है या आपके किसी हक के ऊपर कोई कजक लगाई जाती है, तो आप उसके खिलाफ कानून को हरकत में लाने के लिए FIR दर्ज करवाते हैं। जब तक कोई भी शख्स जिसके खिलाफ कोई वाकया या उसका कोई हक या उसको किसी शख्स ने कोई एज पहुंचाया है, कोई तकलीफ पहुंचाई है, उसका कोई नुकसान किया है, उसके खिलाफ जिस वक्त आप दरखास्त या FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, कानून आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अगर आप कानून से कोई मदद चाहते हैं तो कानून को हरकत में लाने के लिए लाजम है कि आप FIR कटवाएं। आपके साथ जितना बड़ा भी सानिया हो गया, आप इवन दैट अल्लाह ना करे, अगर आपके ख़ानदान या घर में से किसी की कोई कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है, मौत वाकई हो जाती है, तो कानून आपकी उस वक़्त तक कोई मदद नहीं करेगा जब तक आप ख़ुद उसकी FIR नहीं कटवाएंगे। तो FIR जो है वो बेसिक असेंशियल है। CRPC की दफ़ा 154 के तहत FIR दर्ज करवाने के लिए लाजिम है कि जिस भी शख्स को एज पहुंचा है या जिसका कोई नुकसान हुआ है, वो दफ़ा 154 के तहत थाने में जाकर दरख्वास्त देगा। अगर उस दरख्वास्त के तहत, क्योंकि दरख्वास्त पे फिर मैं आपको एक बताऊंगा कि दरख्वास्त लिखना भी एक प्रॉपर एक फन है, क्योंकि जितनी अच्छी दरख्वास्त होगी उसके मुताबिक एप्लीकेशन, दरख्वास्त लिखना भी एक मुकम्मल फ़न है, जिसके ऊपर आगे चल के मैं मज़ीद आपको ये बताता चला जाऊँगा कि दरख्वास्त किन बेसिक नुकात को मद्देनज़र रखते हुए लिखी जाती है। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी इसके ऊपर दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आपको बाकायदा मैं अपने जो यंग वकला हैं या जो लोग ऐसे हैं जो समझदार होते हैं अपने ख़ानदान के अंदर या जिन्हें कुछ इन मामलों की समझ है, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा कि दरख्वास्त में किन चीज़ बेसिक नुकात को मद्देनज़र रखा जाता है। खैर, FIR तो कानून को हरकत में लाने के लिए जो इब्तदाई चीज़ है वो FIR है। और जिस तरह मैंने बताया कि FIR दर्ज कौन करवा सकता है, FIR वर्सा दर्ज करवा सकते हैं जिसके साथ कोई एज पहुंचा है या जिसकी कोई राइट डैमेज हुआ है, करीबी रिश्तेदार या कोई ऐसा शख्स जिसने कोई खिलाफ़ कानून हरकत या कोई ऐसी चीज़ देखी हो जिससे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को कोई ख़तरा हो, किसी शख्स की जान को कोई ख़तरा हो, मुफाद आमा के अंदर कोई ऐसा शख्स हो कि जो किसी के ऐज पहुंचाने का बायस कोई चीज़ बन रही है, तो वो मुतलका शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा सकता है। और जब FIR दर्ज होती है तो उसके बाद जो है मुतलका इदारे अपनी हरकत में आते हैं। और FIR दर्ज होने के बाद मैंने जिसका जिक्र किया है कि FIR की कापी हासिल करना भी मारका है, मुदई इसलिए कि मुदई की मौजूदगी में FIR कटती है और उसी वक्त एक कापी मुदई के हवाले कर दी जाती है। FIR की प्रॉब्लम अक्सर और बेशतर देखने में यह आया है कि मुलजमान को होती है, क्योंकि उन्हें बेल बिफोर अरेस्ट में जाना पड़ता है या फिर उन्हें जो है
अपने दिफा के लिए कुछ मामलात करने पड़ते हैं। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पर, FIR ताजीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पैनल कोड के तहत जो सेक्शंस हैं वो दो तरह के हैं, एक है बेलेबल, एक है नॉन बेलेबल, काबिले गिरफ्तारी और नाकाबिले गिरफ्तारी। जो बेलेबल सेक्शंस हैं, जिस तरह के डबल सवारी के थे जिसको कट गए हैं, 337 है, 504 है, खाली धमकियां देना, 341 हैं, इससे बेशुमार सेक्शंस हैं जिनके अंदर जो बेलेबल सेक्शंस हैं पुलिस उनमें ज़मानत दे सकती है 14 दिन तक, जब तक वो अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशंस करके चालान सबमिट नहीं करवाते उस वक़्त तक मुलजिमान को पुलिस बेल पर रिहा किया जाता है। एंड देन जब चालान सबमिटेशंस का टाइम आता है तो सेम जो है मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाता है। यह काबिले ज़िक्र बात यह है जो आपके नॉलेज में आनी चाहिए कि FIR 302 की हो, अगवा की हो 365 की, या कि 341 की किसी बेलेबल सेक्शंस की, ख़त्म होने का प्रोसीजर सेम है। FIR ख़त्म सेम प्रोसीजर्स पर होगी इंशाल्लाह। FIR के बाद में अब आपको अगला जो है उसके चलान तक की जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर डिटेल्स अपडेट दूंगा। बाकी अगर FIR के हवाले से मज़ीद आपको कोई सवालात या कोई रहनुमाई दरकार हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल्स, व्हाट्सएप नंबर्स चैनल्स है, चैनल के बाद जो है हमारे फेसबुक पेज है, आप उन पर हमें कमेंट्स करके या अपनी परेशानी बता के मज़ीद सवालात जिससे आप समझते हो कि अभी हमारी दादरसी नहीं हुई या रहनुमाई मुकम्मल नहीं हुई या कोई ऐसी चीज़ जो आपको FIR की नकल हासिल करने के हवाले से हो, आप हमें कॉल करें, अपने मैसेज के ऊपर अपने राय या कमेंट्स या अपनी परेशानी बताएं, इंशाल्लाह हम उसे ज़रूर हल करेंगे। वस्सलाम।